हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं जीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बनी रही है हमारी वीडियो साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ है दोस्तों ज्ञान, ज्ञान है दोस्तों वेद का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक साल 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का लंबा, विश्व में जो तांबा है उसकी सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो चिली चुकी का माटा जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक की खान है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो विश्व में 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल को दुनिया में सबसे आकर्षक यात्रा हॉट स्पॉट में प्रतिष्ठित सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो जो ताजमहल को जो स्थान मिला है दोस्तों वो मिला है 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे महंगा मसाला कौन सा है? तो जो केसर होता है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उगाया जाता है वो सबसे महंगा मसाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक लौंग उत्पादन देश कौन सा है? जहाँ पर लौंग का उत्पादन होता है वो है दोस्तों तंजानिया, तंजानिया जो देश है वहाँ पर लौंग का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है क्यों? फर्स्ट है, वे पर्यावरण में संचित हो जाते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित करते हैं। सेकंड है, वे खाद्य पदार्थ में प्रविष्ट हो जाते हैं। थर्ड है, वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित करते हैं। तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर है, मतलब जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर के दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? तो उसे बेस बक कहा जाता है दोस्तों, जो क्रय विक्रय होता है विजयनगर के दासों के। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो वायलिन गिटार सितार वीणा में ध्वनि का स्रोत है। तो जो ध्वनि का स्रोत है वायलिन में, गिटार में, सितार में और वीणा के अंदर, तो वो तार है दोस्तों। आपने देखा होगा कि उनमें एक तार लगा होता है जिसे उंगली की सहायता से हिलाया जाता है दोस्तों, जिससे हमें ध्वनि की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी गैस है जो गूगल सर्च इंजन पर के संचालन के दौरान उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो गूगल में सर्च इंजन के संचालन से उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन देख सके दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।